नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से लाइव हो जाओ, सुबह के 7 बज चुके हैं। शीघ्र हम क्लास शुरू करने वाले हैं। सभी को जय हिंद, सभी को राम राम। जल्दी से अपने दोस्तों को लाइव लेकर आओ और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दो, ताकि सभी दोस्त लाइव आ पाए और इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। आज हम करने वाले औसत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो भर्तियों में काफ़ी बार आए हुए हैं या आपके आने के चांस है। चलिए दोस्तों, आज शीघ्र ही हम क्लास शुरू करने वाले हैं। जल्दी सभी क्लास को लाइक कर दो और चैनल पे जो भाई नया है वो कर लो सब्सक्राइब, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। इसके लिए घंटी का आइकन भी दबा दीजिए। चलिए बिना देरी किए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेकर रखते हैं, जिसका सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए ले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट जवाब भी देने शुरू कर दिए। अब बात कर लेते हैं प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। आपको 5 संख्या लेनी है, 2, फिर 3 आई, फिर 5 आई, फिर कितनी आई, 7 आई, और फिर कितनी आई, 11 आई। अब बात कर लेते एवरेज का है, इसका मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, क्योंकि औसत का सूत्र क्या होता है आप सबको पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 5 है। इसका मतलब इनको जोड़ के 5 का भाग दे दो, यानी इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 28 आया। 28 बटे 5 यानी कितनी बार, 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 5 बार। फिर आपको पता है 3, फिर कितनी बार जाएगा, 6 बार। 5.6 आपका जवाब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जवाब भी सही दिया है, तो जल्दी जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, ताकि हम भी जान पाए कि कौन कौन सही तरीके से जवाब दे रही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है काफ़ी सारी भर्तियों में, तो इसका जल्दी से जवाब दो, देखते कौन कौन जवाब सही दे पाते हैं। तो आपको क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ दे रखा है यदि लगातार 5 सम संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। सम संख्या इसका मतलब 2 का भाग जाने वाली संख्या है, और 5 संख्या दी है। कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपको पता है 5 संख्या, 7 संख्या, 9 संख्या, इस तरह का संख्या दे कोई भी, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है। चलो सभी जवाब देने की कोशिश करो, देखते कौन कौन जवाब सही दे पाते हैं। जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट का जवाब भी आना शुरू हो गया है, देखते कौन कौन जवाब सही दे पाते हैं। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, जल्दी से। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सभी जवाब देने की कोशिश कीजिए, काफी सारे स्टूडेंट का जवाब भी आ गया। आपको दे रखी है बीच वाली संख्या कितनी दी, 40, और साइड वाली 2 संख्या, 1 तो होगी 42, और 1 इधर वाली क्या होगी, 44 होगी, और इधर भी साइड में 2 संख्या होगी, देखो क्या होगी, 38, और क्या होगी, 36 होगी। तो ये आपकी सम संख्या 5 आ गई। आपको कहा है बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या की बात करें तो यहाँ कितनी है, 44 है। इसका मतलब जवाब नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या राइट होगा। और यदि कहे छोटी संख्या बताओ तो कितनी होगी, 36 होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन कहे इस तरह का तो आप कर सकते हैं, यानी 5 संख्या 7 संख्या इस तरह दिया हो तो साइड में 2 2 या 3 3 जो भी आए वो रख लिया करो, और बड़ी संख्या कहे तो बड़ी बता दिया करो, और छोटी कहे तो छोटी बता दिया करो। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपके समझ में है। दोस्तों क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, लाइक के बटन पर दबाकर अपनी हाजिरी लगा दो, ताकि अटेंडेंस आपकी लग जाए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, इसका जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलो देख लेते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। आपको क्या दे रखा है, 1 से 100 तक की पराकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप सबको पता है कभी भी कोई भी संख्या की सीरीज दी हो, यानी एक श्रेणी दी हो, उनमें अंतर समान हो। जैसे यहाँ पराकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 ऐसे होगी, कहाँ तक होगी, 100 तक का है। इसका मतलब इनके बीच का अंतर समान है। कभी भी कोई श्रेणी में अंतर समान हो और आपको एवरेज का कहे, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या करके 2 का भाग दे देना चाहिए, यानी पहली प्लस अंतिम बट्टा 2 कर दिया करो, यदि अंतर समान हो तो। कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, यदि अंतर समान हो कोई श्रेणी में तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, वही पूरी संख्या का क्या होता है, औसत होता है। यहाँ बात कर लेते 1 से 100 तक, यानी 1 और अंतिम संख्या क्या हुआ, 100 बटे 2, यानी आपको भाग देना पड़ेगा 101 में किसका, 2 का। भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 50.5। क्या आएगा, 50.5, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर आपका है
सी राइट होगा। दोस्तों ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, जो कि काफ़ी बार आया हुआ भी है और कैसे आया मैं भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन इसको कैसे देता है, कई बार यहाँ दे रखा है 4 व 16 का समांतर माध्य बताओ। समांतर माध्य का मतलब औसती होता है दोस्तों, समांतर माध्य कहे या सीधा माध्य कहे इसका मतलब क्या होता है, औसती होता है, यानी औसत निकालना है। तो 4 प्लस 16 संख्या कितनी है, 2, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या होता है औसत। तो इसका मतलब कितना हुआ, 20/2, 20/2 यानी कितना हुआ, 10वां। आपका औसत या समांतर माध्य या माध्य की बात करें तो कितना हुआ, 10वां, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। यदि यही क्वेश्चन ऐसे देता ना, 4 व 16 का ध्यान से देखना, 4 व 16 का यहां दे देता माध्य अनुपात बताओ, क्या देता माध्य अनुपात बताओ, तो दोस्तों क्वेश्चन अलग होता, ध्यान देना। माध्य अनुपात का कही यानी मध्य वाले अनुपात निकालना हो तो आपको पता है बीच वाले एक्स लिख के वैसे ज्ञात करते हैं, तो ए गुणा बी का रूट होता है। मध्य अनुपात की बात करें तो ए गुणा बी का रूट होता है, तो 4 गुणा 16 का रूट यानी 16 को कितना हो गया, 64, 64 का रूट कितना, 8, 64 का रूट कितना, 8। यदि ये क्वेश्चन ऐसे लिखता ना, माध्य अनुपात बताओ, माध्य अनुपात बताओ, तब तो आपका कितना होता, 8 होता। और यदि माध्य कहे या समांतर माध्य कहे तब आपका कितना होगा, 10। दोस्तों दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना है, हो सकता है आपके कोई एग्जाम में आ जाए तो गलत मत करके आना, दोनों शब्द आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, क्या है, यदि कार्यालय में, क्या दे रखा है दोस्तों, यदि कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किग्रा है, 6 अधिकारियों का कितना है, 55 किग्रा, तथा 4 सुपरवाइजरों का औसत वजन कितना है, 50 किग्रा है, 50 किग्रा है, तो बताओ सभी का औसत वजन, यानी जो भी कर्मचारी है सभी का क्या बताना है, औसत वजन बताना है। तो पहले बात कर लेते टोटल वजन निकाल लेते, 6 गुणा कितना 55 यानी यह तो आएगा उनका टोटल, देख लेते कितना आता। आप जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, सभी निकालने की कोशिश करिए ताकि हम भी जान पाए कौन कौन जवाब सही दे पा रहे। तो यदि आप इनको गुणा करोगे तो ये आएगा, चलो निकाल लेते हैं, 30 80 लगी 3 330, और बाद में आपको पता है कितने है वो, 4 गुणा 50, इसका मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 200। अब टोटल को जोड़ दो कितना हुआ, ये हो गया 530, कितना हुआ, 530, और आपको पता है कुल कितने हो गए, 6 ये और 4 ये 10 हो गए, तो यानी कितना होगा, 53 kg होगा। 53 kg का मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी 53 kg टोटल का, क्योंकि आपको पता है 6 गुणा 55 करेंगे तो आएगा वो किसका, अधिकारियों का कुल वजन, और 4 गुणा 50 करोगे तो सुपरवाइजरों का, और इन दोनों को जोड़ दो कितना होगा, ये होगा 530। बट और औसत निकालना, इसका मतलब राशियों की संख्या कितनी है, 10 है, काट दो इसको, काट 0 0 काटा कितना आया, 53 इसका उत्तर आएगा। ये भी उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, चलो देखते कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते। आपको कहा है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, क्या देर का है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। तो आपको पता है 2 4 ये क्या होती है, 2 का भाग पूरी जाने वाली वह संख्या क्या होती है, सम होती है, 2 4 आगे 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, 50 तक। तो आपको पता है 50 तक लिखेंगे तो अंतर संख्याओं का क्या है, समान है, अंतर समान है, इसका मतलब अभी बता रहा था पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2 पूरी संख्याओं का एवरेज के बराबर होता है। तो आपको पता है पहली संख्या कितनी है, 2, फिर अंतिम संख्या कितनी है, 50/2 कर दो यानी 52/2, यानी आपका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 26 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 26 ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जल्दी से बढ़ती है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही आसान सा है, इसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्लास को भूल गए हो लाइक करना तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्वेश्चन बढ़िया समझ में आने शुरू हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं लाइक करना, तो क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा, सभी लाइक करते रहिएगा, इसी तरह क्लास लगती है डेली 7 बजे, और अपने दोस्तों को भी बताया करो कि 7 बजे क्लास लगती है लाइव। अब बात कर लेते क्या है, 55 65 40 35 और कितने का, 85 का क्या बताना है आपको, एवरेज बताना है यानी औसत बताना है। तो सबको जोड़ दो, 55 प्लस 65 प्लस कितना 40 प्लस कितना 35 प्लस 85/5, संख्या कितनी है देख लेते हैं, 5 है, इसका मतलब 5 का भाग देना है। इनको जोड़ के देखो कितना आएगा एक बार जल्दी से, ये देख लेते हैं, चलो जोड़ के जल्दी से आप जोड़ के ट्राई करो, देखते हैं कितना आता है जवाब।
तो इसका मतलब 280 आएगा, इनका योग 280 बटे कितना, 5, 280 बटे 5, यानी इसका अब भाग दोगे आप किसका, 5 का, कितनी बार जाएगा, 5 बार, और फिर कितनी बार, 6 बार, यानी आपका जवाब कितना आएगा, 56 आएगा। एवरेज कितना आएगा दोस्तों, 56 आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया लगा है, इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आप के सामने 8 आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, चलो देखते हैं कौन कौन इसका जवाब सही दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का, यदि 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है, 20 विद्यार्थियों की कितनी है, 17 वर्ष है, यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 3 वर्ष की कमी आ जाती है, सॉरी क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, यहाँ वृद्धि नाम सही लिख लो क्योंकि मैंने थोड़ा सा मिस प्रिंट कर रखा है, यहाँ वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब वृद्धि हो जाती है 3 वर्ष की। पहले बात कर लेते हैं 20 गुणा 17 किया, क्योंकि 20 तो है सदस्य और 17 उनकी औसत आयु, कुल आयु कितनी हुई, 340। अब बात कर लेते हैं अध्यापक को शामिल किया, सदस्य कितने हो गए, 21, और औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई, पहले 17 था, 3 बटा कितना हुआ, 20 हुआ, इसका मतलब ये कितना हुआ, 420। अब देख लेते हैं 21 दुणे 42 हो गया, इसका मतलब 420 कितना बड़ा है, देखो कुल मिला के बड़ा कितना है, 80 बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, 80, इसका मतलब 80 जो बड़ा है वो किसकी आयु है, 80 वर्ष बड़ा है वो अध्यापक की आयु है, 80 वर्ष जो बड़ा है दोस्तों वो किसकी आयु है, अध्यापक की आयु, इसका मतलब अध्यापक कितने वर्ष का है, 80 वर्ष का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपके, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया, इसका भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या है, यदि 10 सेवों का औसत वजन 400 ग्राम है, यदि एक सेव खराब है उसको फेंक दिया जाए, अब देख लेते हैं 400 गुणा कितना, 10 गुणा 400 लिख लो, 10 गुणा 400 तो टोटल वजन कितना आया, 4000 ग्राम, ग्राम दे रखा है तो ग्राम जो भी है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दे रखा है, एक सेव फेंक दिया मतलब कितना बचे, सेव 9 9 गुणा कितना हो गया, औसत वजन में 10 ग्राम की कमी हो गई, यानी कितना, 390, 390 आया ना दोस्तों, क्योंकि पहले 400 था, 10 की कमी आई, यानी 390, इनको गुणा करो देखो, 0 81 हासिल लगी कितनी, 8 27 8 कितना हो गया, 35। अब इनका जो मतलब कितना कम हुआ है, वही फेंका गया सेव का वजन है, फेंके गए सेव का वजन कितना है, जितना कम हुआ है वही है, तो ये घटा के देख लो कितना, 9 0 और इधर कितना बचा, आप देख लो जल्दी से, 4, यानी वो सेव का वजन कितना था, 490 ग्राम था दोस्तों, कितना था, 490 ग्राम का वो सेव था जो फेंका गया है। चलिए दोस्तों इसका जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, क्या राइट होगा दोस्तों, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से इस क्वेश्चन का भी जवाब देने की कोशिश कीजिए, यदि 16 संख्याओं का औसत 8 है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखते कौन कौन लॉजिकल क्वेश्चन है, कौन इसका जवाब सही दे पाती है, देख लेते एक बार, यदि क्या दे रखा है, हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, दोस्तों हमेशा ध्यान रखा करो, प्रत्येक संख्या में यदि 2 जोड़ा जाता है, 3 घटाया जाता है, तो एवरेज में भी वही प्रभाव पड़ता है, जो उस संख्या प्रत्येक के साथ किया जा रहा है वही एवरेज में प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब एवरेज कितना था, 8 था, 8 था, और कह रहे हैं प्रत्येक में क्या कह रहे हैं, 2 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ रहा है, इसका मतलब एवरेज में भी 2 जुड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 10, ये हमेशा ध्यान रखा करो। यदि आपको जोड़ने की बात करें तो प्रत्येक संख्या में जोड़े तो कुल संख्या होती है, आपको पता है प्रत्येक में जोड़ रहा है मतलब इसका मतलब एवरेज में भी 2 बढ़ेगा, यदि घटाता है तो 2 घटता है, ये ध्यान रखना, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, ए राइट होगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, एक बार लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश कीजिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई है, पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि अन्य दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके, और जो भाई चैनल पे नहीं है वो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, शाम को हो सकेगा तो 9 बजे भी इसका पार्ट नंबर 2 आने वाला है, देख लेना आप एक बार 5 मिनट पहले विजिट करके, ताकि लाइव क्लास होगी तो आपको पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।